हाँ जी, तो आपको ये जो खूबसूरत सी क्रिएटिविटी नज़र आ रही है, ये दूल्हे की सबसे छोटी वाली सिस्टर जो है उसने बनाया है। और आप सबको पता ही होगा कि इसको कज़न वगैरह, सिस्टर्स वगैरह पकड़ते हैं, फ्रेंड्स वगैरह, और इसके नीचे से दूल्हा या दुल्हन जो है वो गुजर के, यानी चल के, तो शादी सॉरी मेहंदी लगवाने के लिए जाते होते हैं। और ये रहा दूल्हे का, दुल्हन का कमरा, ये है ब्राइड रूम। और ये सामान आज ही आया है, तो इन लोगों को आहिस्ता आहिस्ता टाइम लगेगा इसको सही से सेट करने में, स्पेशली जब दुल्हन आएगी तो वो खुद अपनी मर्ज़ी से इनको सेट करेगी। ये है जी यशफा और इंशरा, मेरी सिस की बेटियाँ। माशाल्लाह से दोनों जो बहनें हैं बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी, ये हैं ही प्यारी, तो प्यारी क्यों ना लगें। खैर, अब चलते हैं जी सेटअप वाली जगह पर। वहाँ पे हम लोग जा रहे थे मेहंदी वाली जगह पे, जो इन्होंने सेटअप लगाया हुआ था वहाँ पे। तो जाहिर है कि घरों में तो इतनी जगह नहीं होती कि इतने लोग आ सके, तो घर के बाहर इन्होंने जो है वो सेटअप लगवाया हुआ था। ये आप देख सकते हैं, सारा इस टाइप का कुछ सेटअप था, जहाँ पे सारे लोग इजीली जो है सारे यहाँ पे आ गए थे, और सब कुछ अच्छे से मैनेज हो गया था। हम जो है सबसे पहले इनके घर गए थे, और सबसे लास्ट में हम ही आए थे अपने घर। और वापस आते आते हमें तकरीबन रात का 1-1.5 बज गया था। तो ये आप देख सकते हैं, माशाल्लाह कितना खूबसूरत सेटअप लगाया हुआ है इन्होंने। ओके जी, तो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल परीशियाज व्लॉग। गाइस, आई होप कि आप सब ठीक ठाक फिट फाट होंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कल की वीडियो में मैं आपको सारा मेहंदी का फंक्शन दिखाऊंगी, यानी जितना पॉसिबल है वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगी। अपनी तरफ से मेरी फुल कोशिश है। ये यशवा को अभी से नींद आना स्टार्ट हो गई थी, जमाइयाँ आ रही थी उसको। ओके गाइस, तो अपनी तरफ से तो मैं कोशिश करूंगी कि जितना पॉसिबल है मैं आपको दिखाऊं। ओके गाइस, तो यहाँ पे साथ साथ फंक्शन जो है वो स्टार्ट हो चुका है। तो मेरी वीडियो को कोशिश कीजिएगा कि फुल वॉच करें, क्योंकि आज की वीडियो में जो है मैं आपको जो रिवायती हमारे फंक्शंस होते हैं मेहंदी के, वो दिखा रही हूँ। ओके गाइस, तो यहाँ पे डांस जो थे बहुत अच्छे अच्छे गानों पे हुए थे, लेकिन जाहिर है कि मैं वो म्यूज़िक आपको नहीं सुनवा सकती, बिकॉज़ कॉपीराइट का इशू आ जाता है।
हाँ जी, तो यहाँ पे यशवा पहन रही है अपने सैंडल्स, क्योंकि वो बहुत रिलैक्स होकर यहाँ पे बैठी हुई थी, सर्दी भी थी, उसको नींद भी आई हुई थी। और अब जो है गाइस, यहाँ पे फंक्शन का एंड हो चुका है, फंक्शन हो गया ख़त्म और हम जा रहे हैं अपने घर। आई होप गाइस कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके गाइस, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।